तालियां मेरे दोस्तों, कमान। अबे अर्ज किया एक शेर, वाह कहिएगा आप लोग मेरे भाई बहन हैं, दोस्त हैं, वो गुलाब ही क्या जिसमें लाली ना हो, वाह बोलो ना दोस्तों, वो गुलाब ही क्या जिसमें लाली ना हो, वो गुलशन ही क्या जिसमें माली ना हो, वो ससुराल ही क्या जिसमें साली ना हो, और वो प्रोग्राम ही क्या जिसमें ताली ना हो। बहुत अच्छा लगा आप सबको देखकर, एक साथ ऐसे ही दुनिया होनी चाहिए। मैं हूं सिद्धार्थ कनन और आज 18 अगस्त 2021 इतिहास रचेगा, जहां पर तीन इंडियन आइडल के सुपरस्टार्स के बहुत बड़े अनाउंसमेंट्स होने वाले हैं, 20 गाने का कॉन्ट्रैक्ट विद ऑक्टोपस एंटरटेनमेंट, ताली बजाओ ये, साथ में एक टीजर एक गाने का। जनरली देखा जाता है आज के जमाने में कि टीजर पहले यूट्यूब पे आता है, फिर दुनिया देखती है, फिर कलाकार ग्राउंड में परफॉर्म करते हैं। हमने डिसाइड किया कि पहले आप टीजर देखें, उसके बाद यूट्यूब में आएगा। वी आर बैक टू ग्राउंड रियलिटीज। ताली आज बजाओगे कि कल बजाओगे? या दोस्तों, पवनदीप, अरुणिता और षणमुखा, त्रिमूर्ति। पर उससे पहले ये क्या अनाउंसमेंट्स है, क्या होने वाला है, सब चीज आपको पता चलेगा, क्योंकि ऑक्टोपस एंटरटेनमेंट के मेरे एक मित्र है राज। दोस्तों ये कहानी है, जब वो एक डांसर हुआ करते थे, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इंडिया के बेस्ट डांसर्स को इकट्ठा करके उनके टैलेंट को दुनिया में दिखाना चाहता हूं, फिल्मों में दिखाना चाहता हूं। ही फॉर्म्ड ऑक्टोपस एंटरटेनमेंट ताकि सारे डांसर्स को एक प्लेटफॉर्म मिले। उसके बाद उसने सोचा कि यार मैं सिंगिंग में घुस जाता हूं टैलेंट्स के साथ, म्यूजिक कॉम्पोजिशन में घुस जाता हूं। ही हैज मेड दिस इनटू अ बिग प्लेटफॉर्म। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग डायरेक्टर ऑफ ऑक्टोपस एंटरटेनमेंट, राज सुराने। हेलो हेलो हेलो, थैंक यू वेरी मच। सो ये हम लोग के तीन सुपरस्टार है और हम लोग इनके साथ एक म्यूजिकल सीरीज बना रहे हैं। सो ये अरुणिता, पवनदीप एंड षणमुख प्रिया है। इसका पहला टीजर हम लोग छोड़ने जा रहे हैं अभी, जो ये लाइव गाएंगे। आई होप यू आर लाइक इट एंड वी विल इंट्रोड्यूस द आर सुपरस्टार। भाई पहले इन लोग को भी ताली बजाओ, 20 गाने का कॉन्ट्रैक्ट भाइयों। जब जब ये इंडियन आइडल जीते भी नहीं थे, तभी भाई ने इनको स्पॉट किया और बोला बॉस इनमें दम है। तो दोस्तों उससे पहले मैं कुछ और लोगों को बुलाना चाहूंगा जो आपके साथ टीम में है, इनके पार्टनर। जी हां, रानी जमाल, द फाउंडर ऑफ रानी प्रोडक्शंस, जिनके पास वो खूबी है टैलेंट को स्पॉट करने के लिए। बिल्कुल राज की तरह उन्होंने सिंगर्स और परफॉर्मर्स को दुनिया भर में परफॉर्म करवाया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, रानी जमाल। रानी जी नमस्कार, हाउ आर यू? थैंक यू, गुड टू सी यू। एंड इज राज अ ग्रेट पार्टनर टू हैव और नॉट? Too soon to speak, but he is. अरे मैं बता रहा हूँ, पूरा मैंने छाप दिया। He is such a darling. He is a super partner. तो ये दोनों टैलेंट को स्पॉट करके उनको परफॉर्मेंस का एक मकसद देंगे इन शोज, म्यूजिक, डांसिंग, एवरीथिंग। फॉलोइंग अप नाउ, म्यूजिक डायरेक्टर एंड कंपोजर प्रोड्यूसर, जिन्होंने मंसिलों का जुनून जो गाना बना था मारुति सुजुकी के लिए, वेयर इंडियन आइडल परफॉर्मर्स ऑल परफॉर्म टुगेदर, दिस वाज अ ट्रेंडिंग सॉन्ग। एंड ऑफ कोर्स ही इज इन्वॉल्व्ड इन द म्यूजिक प्रोडक्शन एंड कंपोजिशन फॉर ऑल दीज थ्री सिंगर्स फॉर ऑल द बिग सॉन्ग्स कमिंग अप एज वेल विद ऑक्टोपस एंटरटेनमेंट, दीक्षांत शौर्य। क्या बात है मैडम, माइक दे दीजिए, मुझे मालूम है आपके फैंस उनको देख रहे हैं। दीक्षांत, हेलो हेलो भाई, हेलो वापस बोलो ना यार। हेलो, क्या बात है दीक्षांत, तुमने मंजिलों का जुनून जो गाना था मारुति सुजुकी के लिए, जहाँ पे तुमने सारे हमारे इंडियन आइडल्स के साथ गाना बनाया, उनको गवाया, बताओ इन सिंगर्स, ये तीन जो सिंगर्स हैं इंडियन आइडल के सुपरस्टार्स, इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी, जितना मैंने इनको जाना है, दे हैव ऑल द क्वालिटीज जो एक सुपरस्टार एक अच्छे आर्टिस्ट में होनी चाहिए, डेडिकेशन, पैशन एंड
बट सबसे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, दे हैव अ वेरी गुड हार्ट, दे हैव अ वेरी गुड सोल. जो उनकी आवाज़ में, जो उनकी जब वो गाते हैं उनकी झलकता है वो, तो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. तो तभी हम इनके साथ इतना एसोसिएट हो रहे हैं, हम इतना अच्छा अच्छा कर रहे हैं. सो वी हैव गुड होप फॉर द प्रोजेक्ट. ऑल द बेस्ट टू देम, ऑल द बेस्ट टू द होल टीम. सुपर्ब. और मैं ये जानता हूं कि ये जो टीजर आ रहा है उसमें भी आपका मैजिकल म्यूजिक जीनियस वाली क्वालिटी आपने डाल दी है. बट ऑफकोर्स इनका एक और बहुत बड़ा गाना था बवाल विद MJ5, जो ट्रेंड किया था डिजिटल ऑल अक्रॉस. आई वाज अ बिग फैन ऑफ दैट सॉन्ग. और अब दोनों दोस्तों, ये जो हैंडसम हैंडसम प्रिटी प्रिटी कपड़े जो पहनते हैं, स्टाइलिस्ट का भी हाथ है जो इनको स्टाइल करने वाले इन द टीजर व्हिच इज कमिंग अप. लेडीज एंड जेंटलमैन, दिनेश हमीराने. क्या बात है दोस्तों. दिनेश, जनरली मैं बता दूं आपको कि दोस्तों ये बहुत कम बोलते हैं, बट अपना डिजाइन दुनिया को दिखा देते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टाइलिंग देम. माइक दे दीजिए भाईजान. यस सर. ये जो स्टाइल आप हमारे इंडियन आइडल के सुपरस्टार्स के लिए करने वाले इन द म्यूजिक वीडियोस दैट आर कमिंग अप, एंड याद रखिए 5 गाने आने वाले हैं वेयर द स्टोरी इज गोइंग टू बी इंटरलिंक्ड. यानी कि एक गाना खत्म होगा तो दूसरा गाना वो कहानी को आगे ले जाएगा, तीसरा गाना उस कहानी को और आगे ले जाएगा. पहली बार इंडियन म्यूजिक के इतिहास में 5 म्यूजिक वीडियोस बनेंगे जो एक फिल्म की तरह आगे बढ़ता रहेगा. राइट राज, क्या बात है. ऑलराइट दिनेश, मुझे मालूम है तो कम बोलते हो. कैसे कपड़े पहनवाओगे हमारे सुपरस्टार्स को, माने बहुत ही ऐसे झटाक टाइप्स? सर वो तो आपको गाने में पता चल जाएगा क्योंकि इट विल बी डिफरेंट, इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ सर. लाइक अभी तक आपने देखा है वो एक अलग होगा और अभी अलग होगा सर. हमने इंडियन आइडल के परफॉर्मर्स को एक अलग रूप में देखा है थैंक्स टू दिनेश. दे विल हैव अनदर शाइन, अनदर ग्लैमरस साइड टू देम. ऑलराइट कोरियोग्राफर्स, द महारथीज पवन एंड बॉब. शेरशाह हो, मंजिलों का जुनून हो, गुंजन सक्सेना हो, आज सजिया हो, और ऑफ कोर्स एवेंजर्स एंड गेम विद AR रहमानो, इन लोगों ने उनकी कोरियोग्राफी की हुई है. एंड ऑफ कोर्स दे गोना बी लिंक्ड विद द 3 परफॉर्मर्स, एंड ऑफ कोर्स ऑक्टोपस एंटरटेनमेंट फॉर द टीजर्स एंड द 20 सॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट डील दैट्स कमिंग अप. पवन एंड बॉब के लिए अरे ताली बजाओ यार. भाइयों, ये 3 जो हमारे प्यारे प्यारे भाई बहन है जो आज परफॉर्म करने वाले हैं, पूरी दुनिया जानती है कि बहुत अच्छा गाते हैं. इनकी डांसिंग स्किल्स कैसे है प्लीज बताओ यार. भाई माइक मुझे देख रहे हो जैसे मेरी बीवी मुझे देखती है. आई लाइक इट. इट वाज अ लवली अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद ऑल दिस कंटेस्टेंट्स, एंड स्पेशली वी नीड टू थैंक्स राज सुरानी फॉर बिलीविंग इन अस एंड सपोर्टिंग एवरी टाइम. एंड these guys are really superb. Like it's they are not professional dancers, and I mean like they are trying, and they used to be on set, they used to cooperate, and it was really fun working with them. भाई मेरा शेट्टी बॉय, तू तो बोलेगा यार. इसकी बाल देखो दोस्तों, ये बाल जो संभाल सकता है पूरी दुनिया को संभाल सकता है ये. तो गाइस जैसे सबको पता है पवनदीप, अरुणिता एंड शानमुख, एवरीबॉडी दे आर ग्रेट सुपरस्टार्स. जैसा भाई ने पूछा कि वो लोग डांस कर सकते हैं या नहीं, तो इट वॉज वी थॉट कि इट वॉज रियली टफ कि ये लोग डांस कर पाएंगे या नहीं. जब वेन वी हैड देम ऑन बोर्ड, वेन दे केम ऑन द रिहर्सल्स, वी वर शॉक्ड क्योंकि एवरीबॉडी एज अ म्यूजिकल एज द इनटू म्यूजिक इंडस्ट्री, तो वो लोग तो म्यूजिक का बीट तो है ही, बट जब वो लोग आए तो इट वॉज रियली वेरी वेरी ईजी फॉर अस. मस्का था, मस्का एकदम. जो भी हुक स्टेप था, जो भी ये था, जो भी करना था, एकदम ईजिली निकल गया. तो एज वेल एज सिंगर्स दे आर वेरी गुड डांसर्स ऑल्सो. क्या बात है, माने फ्यूचर में जाके ये बॉलीवुड हीरो और हीरोइन भी बन सकते हैं. बन सकते हैं, व्हाई नॉट. क्या 100%. बात है. तुम्हारे बालों का राज क्या है? बालों का राज तो ऐसा कुछ है नहीं है सच, बस महादेव का भक्त हूं तो शायद उनका ही कृपा है. क्या है, उनकी कृपा हम सब पे रहे. और अब दोस्तों, मेरे मीडिया के भाई बहन जिनको मैं इतने सालों से जानता हूं, मैं पहले फोटो अपॉर्चुनिटी करवाऊंगा, फिर परफॉर्मेंसेस होंगी. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जिस लड़के ने उत्तराखंड का नाम रोशन किया और भारत का नाम रोशन कर रहा है, लेडीज एंड जेंटलमैन, इंडियन आइडल के विजेता पवनदीप. उनसे बातचीत होती रहेगी. पवनदीप जी सर, यार मैं तेरे से उम्र में छोटा हूं, तू मुझे छोटा भाई बोल के बोला. हाँ जी सर. भाई 5 गाने जो कहानी इंटरलिंक्ड है, पिक्चर की तरह बनाया जाएगा,
साथ में 20 गाने आप करने वाले हैं राज और उनकी टीम के साथ। मेरे भाई, इन्होंने तुम्हें तब देखा जब तुम जीते भी नहीं थे। ये बताओ, ये जो 20 गाने का जो अभी कॉन्ट्रैक्ट है और गाने निकलेंगे, क्या सोच रहे हो, कैसे आगे बढ़ोगे? सुना है अलग अलग किस्म के गाने हैं, मैं राइट? पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। और सर, बहुत खुशी होती है कि एक छोटे से गांव से आते हैं हम लोग और इतना बड़ा मौका मिलता है राज सुरानी सर जो हमें दे रहे हैं। हम इंडियन आइडल में आए, सर ने वहाँ पे देखा एक, हम लोग ने वहाँ पे परफॉर्म किया, वहाँ से सीखा बहुत सारा। और ये आज जाके मौका मिल रहा है, आप सभी लोगों से रूबरू होने का मौका मिला, ये सारी चीज़ें बहुत कमाल की लग रही हैं, एक सपना सा लग रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा राज सर का, और क्या ही कहूँ, एक सपना है जो पूरा हो रहा है। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का सहयोग है इसमें, और आगे भी ऐसे ही प्यार देते रहें, धन्यवाद भाई। ये सपना पूरा होगा, आगे भी जाएगा, क्योंकि ऐसे क्रिएटिव जीनियसेस आपके साथ हैं। अब इंडियन आइडल फर्स्ट रनर अप, लेडीज एंड जेंटलमैन, कोलकाता से मुंबई तक का सफर, बाय गॉड क्या सफर रहा है, लेडीज एंड जेंटलमैन, अरुणिता। आप सेंटर स्टेज आ जाइए, नारी शक्ति जिंदाबाद। कैसी हैं आप? एकदम ठीक, आप कैसे हैं? आप हमारे मीडिया के भाई बहन से मिल चुकी हैं, उनको हेलो बोलना चाहेंगी पहले? हेलो सबको, मेरा प्रणाम, सबको नमस्ते। आपकी बहन अरुणिता यहाँ पे आपके सामने। अभी जैसे मैं इनसे कह रहा था जी, 20 गाने शायद दिसंबर में, ये जो टीजर आज आप परफॉर्म करने वाली है उसका शूटिंग होगा, स्केल बड़ा है, कहानी होगी, फीचर फिल्म टाइप्स है। कभी कभार चुटकी काटती है कि यार अभी अभी मैं छाई हूँ इंडियन आइडल में, सडनली ये वापस लॉन्च हो रहा है, एक ड्रीम है कि आपने डिसाइड कर लिया कि यार ये ड्रीम नहीं, ये हो रहा है मेरे साथ इस वक्त? सर, सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगी कि इंडियन आइडल में आना ही सबके लिए एक बहुत बड़ी बात होती है, तो सोचा नहीं था कि लोग इतना प्यार करेंगे और इतना आशीर्वाद करेंगे। तो सबको पहले मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ, मुझे फर्स्ट रनर अप बनाने के लिए, मुझे उसका हकदार समझने के लिए सबको बहुत धन्यवाद। और बहुत कुछ सीखा है मैंने और सीखते रहूँगी, और ऊपर से एकदम से राज सर ने इतना बड़ा एक अपॉर्चुनिटी दिया हम सबको कि हम काम कर पाए उनके साथ, तो थैंक्स टू यू राज सर, आप इतना बड़ा मौका हमको दिया है आपने, तो थैंक्स टू राज सर। और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत अच्छे से करना चाहती हूँ ये काम, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। क्या बात है, आपकी आवाज़ में ही दिख रहा है। अरे मीडिया के भाइयों, ताली बजा दो ना। या ऑलराइट, आंध्र प्रदेश से क्लासिकली ट्रेन्ड इन कर्नाटक म्यूजिक, जैज, यूडलिंग, जो किशोर कुमार साहब किया करते थे और अब ये कर रही हैं, शी इज ऑल द ग्रैंड क्वालिटीज ऑफ अ सुपरस्टार, लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारी शनमुखा प्रिया। कैसी हैं? नमस्ते। नमस्ते। अरे वापस, बड़ा अच्छा लगा आपका साइड, नमस्ते, बहुत अच्छा लगा। ये जैसे होता ना, अच्छा, आपके दोनों दोस्त यहाँ पे है, पूरी टीम यहाँ पे है, राइट? 20 गाने करना बहुत लंबी जर्नी होगी, बहुत अच्छी जर्नी होगी, आपके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं इससे? फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच लव एंड सपोर्ट। आइडल में मुझे जितने भी प्यार और सपोर्ट दिया है, अभी जहाँ पे भी हूँ वो सिर्फ आपकी प्यार और सपोर्ट की वजह से, सो सभी को थैंक यू सो मच। एंड राज सर एंड दिस होल टीम, थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी, आई फील सो ब्लेस्ड एंड लकी। और इस 20 सॉन्ग्स के जो एल्बम है, एक्सपेक्टेशंस तो मैं तो सिर्फ अपनी तरफ से 100% बेस्ट देना चाहती हूँ, एंड आई जस्ट वाना एंजॉय, और या आई फील सो ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी, थैंक यू। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो टीज़र आज ये लोग गाएंगे, दो गानों का टीज़र होगा, ये कहीं पर नहीं दिखाया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, हमारे लाइव ऑडियंसिस के लिए दिखाया जा रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, यूजली YouTube पे टीजर निकलता है, लिंक सर्कुलेट होते हैं, दिस इज रियल लाइव फीड हैपनिंग हियर, पहली बार ये लोग परफॉर्म करने वाले हैं।
बट मेरे मीडिया के दोस्तों के लिए, ऑडियंसेस के लिए, दिस इज ऑक्टोपस एंटरटेनमेंट विद द थ्री सुपरस्टार्स ऑफ इंडियन आइडल. ये एक फोटो अपॉर्चुनिटी है और आज ये टीजर्स भी परफॉर्म करेंगे और साथ में कवर्स भी करेंगे अपने अंदाज में. कैन वी हैव दैट फोटो अपॉर्चुनिटी ऑल ऑफ यू प्लीज. फोटो ऑप्शन में ताली बच सकता है, फोटो में भी आता है तालियां, डोंट वरी. आर वी गुड? आपको मिल गया? अरे मेरे दुलारे. ऑलराइट, ऑलराइट. So now, I request all of you to go there and let's begin our performances. Tino Janka, acha, aiye aap tino please. Ek photo opportunity with the three superstars of Indian Idol. Pavandeep, Arunita and Shanmukha. Tri Murti kahiye, awesome threesome kahiye, India ke Avengers kahiye. India ke jadui performers kahiye, they're all here. Raj, thank you so much for having me on board. I'm super excited to work with Octopus. Thank you. ओके, डन भाइयों, बहनों, दादा. ओके, थैंक यू सो मच. हमारे तीन परफॉर्मर्स अभी वहां जाइए, मैं वापस बुलाऊंगा आपको. ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, पहला टीजर आपके सामने. ये वीडियो मोस्टली दिसंबर में शूट किया जाएगा. ये चलो, रेडी गाइस, रेडी. दोस्तों, परफॉर्मर्स सिर्फ एक चीज चाहते हैं, वो है ऑडियंस का प्यार. मेरे मीडिया वाले जो मुंबई में अक्रॉस इंडिया है, आप जैसी एनर्जी किसी के पास नहीं है. एक बार दिल से ताली बजा दो यार.
गया फल के वो फैसले हम ये वादियाँ ये